जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल वर्मा, टोहाना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा से। आज मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ वीडियो, टाटा सुमो का जो टाइमिंग बेल्ट है टूटने पर उसकी क्या कमियां हुई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारे पास नए लड़के हैं, 7-8 लड़के मेरे पास जो काम करते हैं, उन्होंने मेरे को बताया जी इसका टाइमिंग कहाँ बंद है, मतलब उन्होंने आज पहली बार सुमो के ऊपर चाबी पाने जो हमारे स्पैनर है। तो वीडियो मेरा बनाने का मकसद एक नहीं दो मकसद है। एक तो गाड़ी है जो हमारे पास है सरकारी कर्मचारी की गाड़ी है, और सरकारी कर्मचारी भी जैसे कोर्ट से तहसीलदार वगैरह हैं जो उनकी गाड़ी है। तो मैं पीछे से अभी ट्राई लेने गया था, जो हमारा ये वीडियो बना रहा है कैमरे वाला हाथ में लिए हुए मिस्त्री है जो हमारा सोनू हेड का, ये उसका चेला है। मैं इसको बोल भी रहा था अभी तो मेरे साथ में आते भी लिया है, नहीं तो मैं उसी के ऊपर गाड़ी के ऊपर ही मैं आपको वीडियो बना के दिखाता। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो इसने हेड को खोल भी दिया है। दो बातें इसमें और है, जो हेड के वाल जो टाइमिंग बेल्ट टूटने के बाद में केम साफ्ट है जो उसकी वो टूट गई है, और सारे के सारे 8 के 8 वाल हैं वो डैमेज हो चुके हैं। वो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। बाकी के मैं अपनी वहाँ जहाँ गाड़ी मेरी वर्कशॉप के ऊपर खुली हुई है वो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊँगा, टाइमिंग भी बताऊँगा और इसका जो हेड का काम होगा वो भी मैं दिखाऊँगा। अभी मैं आपको पहले केम की सिचुएशन दिखा देता हूँ। केम टूटी है इस जगह से जहाँ से इसकी टाइमिंग की पुली होती है केम की, वहाँ से, क्योंकि ये हिस्सा यहाँ पे कमज़ोर है। बाकी की तो ये देख सकते हो आप, थोड़ी सी इसकी जो ये सीटें हैं ये मोटी है, पर यहाँ से थोड़ा कमज़ोर थी वाल। ये जो वाल है आप देख सकते हो बैंड होने की वजह से बाहर हैं बिल्कुल, ये देख सकते हो आप बड़े वाल हैं जो, और छोटे वाल है जो ये अंदर के अंदर बैठे, ये इसका छोटा वाल है ये बाहर आ गया है बगैर केम के। केम आप देख सकते हो केम बाहर है जबकि वाल ओपन हुए इसके, देखो इसका बड़ा वाल, इसका छोटा वाल, इसके इसका छोटा वाल ऊपर है और इसका बड़ा वाल ऊपर है, यानी कि ये बैंड है वाल। वाल बैंड होने की वजह से ये इसके अंदर दिक्कत है। तो मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए मैं बाकी की वीडियो आपको उसके अंदर बताऊंगा। तो अभी बाकी की कार्रवाई करेंगे, वाल चेंज करेंगे इसके, वाल सील, वाल सीट, वाल गाइड और हेड का जो फेस होगा वो इनसे पूछ लेंगे। तब कोशिश करेंगे हेड का फेस हम ना करें, क्योंकि हेड फेस करने से टाटा सुमो है या इंडिका, इनके अंदर आवाज़ें मोटी हो जाती है। कोशिश करेंगे हम इंडिका या सुमो है जैसे टाटा की गाड़ी में फेस ना हो। तो बाकी की बात इन्फॉर्मेशन आपको बाद में देते रहेंगे। अभी हेड खोलो, टाटा सुमो है इसका हेड हमने खोला हुआ है, और मैंने इसकी वीडियो जो पहले बना भी रखी है, मैं स्टार्टिंग में पहले वो वीडियो लगाऊंगा जो मैंने इसकी जो बना रखी है खुले हुए हेड की, क्योंकि वो हेड वाले ने खोल दिया था मेरी गैर हाजिरी में, तो मैंने उसकी शॉप पे जाके वीडियो बनाया था। बाकी की वीडियो मैंने यहाँ पे इसकी बनानी थी, मैं आपको दिखाना चाहता था क्योंकि आजकल सुमो का हमारे यहाँ पर कम ही क्रेज़ है। वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि लड़के जो हमारे पास नए लड़के हैं, इन लड़कों को इसके टाइमिंग के बारे में बताना मेरा मेन मकसद है, जो कि इनको पता चले भी हाँ इसका टाइमिंग किस तरह का है आने वाले टाइम में। दोबारा कभी इनको इस चीज़ की ज़रूरत, भविष्य में कभी भी ऐसे काम की इनको ज़रूरत पड़ सकती है, अगर हम इनको बताएंगे तो इनको पता चलेगा। और जो जो हमारी वीडियो को देखेगा शायद कोई मैकेनिक भाई होगा तो उसे भी पता चले, चाहे वो गाड़ियों का मैकेनिक हो या कोई ट्रैक्टर का मैकेनिक हो, वो भी इसके टाइमिंग को बढ़ा सकता है। बड़ा ही आसान ईजी टाइमिंग है, मगर मार्किंग का पता होना ज़रूरी होता है भी इसकी टाइमिंग का, मार्किंग का आएगा। पुराना एक फॉर्मूला था जिसमें पुराने मिस्त्री है जो 50-55 की एज के, उनका एक फॉर्मूला अलग है, टॉप में पिस्टन करो और हेड के टॉप पिस्टन के हेड के वाल को ओपन करो, बंद रखो, और पंप है जो स्विच लगाने पे घूमने पे फर्स्ट नंबर नोजल के अंदर से डीजल का प्रेशर आना, वो भी एक फॉर्मूला था। मगर इसकी जो ओरिजिनल मार्किंग है वो हम आपको बताएँगे। उससे पहले मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं, जो इसके अंदर वाल पिस्टनों के ऊपर आए हैं उसका जो निशान आया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। पिस्टन जो बेल्ट टूटी है तो इसके पिस्टनों के ऊपर वाल यहाँ पे आके टकरा चुके हैं इसके, इसके ऊपर देख सकते हो, ये देख सकते हो इसका जो है वाल, एक वाल नहीं टकराया, एक बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है। इसका वाल देख सकते हो आप यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग, ये सबसे ज़्यादा टकराया था 4 नंबर का, और इसी को बगैर हेड खोले देख के मुझे पता चला था टैपट कवर खोलने के बाद कि वाल 4 नंबर का। तो टाइमिंग जहाँ पे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी मैं आपको हेड की दिखा देता हूँ कंडीशन। इधर ले सारे के सारे वाल हमने इसके चेंज करवा दिए, दिख रहे ना
सारे वाल हमने इसके चेंज करवा दिए। हेड का फेस मैंने पहले ही बोला था मैं फेस नहीं करवाऊँगा क्योंकि गाड़ी हीट नहीं हुई थी। ऊपर कर ले थोड़ा साथ में, अगर हीट होती तो हम शायद फेस करवाने की नौबत पड़ती। केम हमने केम चेंज करवा दी, सेकंड हैंड ले लिया हमने केम, नई केम बहुत ज़्यादा महंगी थी ये। तो अभी इसको ब्लॉक को पिस्टन को अच्छी तरह से साफ़ करके हम फिर इसकी फिटिंग करेंगे ओरिजिनल हेड गैसकेट डाल के, और टाइमिंग की भी वीडियो आपको दिखाएंगे जो इसके अंदर स्टार्टिंग की जो भी वीडियो है। दोस्तों ये हेड गैसकेट है, ओरिजिनल है, बैंको का है, देख सकते हो आप बैंको का। इसके ऊपर मार्किंग भी लगी हुई है और लोहे का ही है। और ये टाइमिंग बेल्ट है इसकी, देख सकते हो आप 136 टीथ हैं इसके। और अभी इसका टाइमिंग बताऊंगा मैं आपको एक बार, एक क्रैंक की जो मेन मार्किंग है वो आपको बता देते हैं। इसका हमने टॉप में कर लिया है नंबर एक तो इसका, और यहाँ से सफाई भी कर ली है इसकी। और अभी इसके जो ये होल हैं जो नट बोल्ट जहाँ लगेंगे इसके वो साफ़ कर देंगे। तो क्रैंक का जो टाइमिंग बनाना है इसका वो यहाँ पे आप देख सकते हो आप, जो ये इसका स्टार्टर मोटर है जो सलफ बोलते हैं, इसके बगल में एक छोटा सा छेद है ये, ये देख सकते हो यहाँ पे एक एलन की फंसा देंगे आप जो कि सीधा उसके अंदर फ्लाईव्हील में लगेगी। ठीक है, एक नंबर पिस्टन और चार नंबर पिस्टन को टॉप में रखें। और जो पंप है इसका डीजल का, जो इसका टाइमिंग भी आपको मैं बताऊंगा जहाँ पे बनेगा। इसके अंदर ये छेद होते हैं, ये इसके अंदर एक छोटा बोल्ट लगेगा और कहाँ लगेगा वो भी मैं बता दूंगा अभी। तो आप पंप है जो डीजल पंप है इसका, इसके अंदर ये 12 नंबर का बोल्ट है, जो 13 नंबर का बोल्ट इसके अंदर लग जाएगा ये बिल्कुल पुली के अंदर, गिरारी के अंदर। ठीक है, ये डीजल पंप का हो जाएगा और ये क्रैंक का हो जाएगा यहाँ पर जो ये लगी हुई है हल्की फ्लाईव्हील में। ठीक है, एक नंबर पिस्टन टॉप में आ जाएगा केम का यहाँ पे। तो भाई ये देखो आपको टाइमिंग बता देते हैं दोबारा से, ये बोल्ट होगा जो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये इसकी मार्किंग होगी यहाँ पे केम साफ्ट की, और इधर से आप देखो केम की जो ये ठोकर है ये ठकियाँ ऊपर की तरफ होगी, यानी वाल बगैर दबे होंगे। ये चार नंबर के दबने की पोजीशन पे जा रहे हैं, मतलब कुछ टाइम पे दब जाएंगे, और ये अभी पूरे ओपन है। ठीक है, यानी ओपन मतलब बाहर की तरफ दबे हुए हैं। और ये आपको दिखा देते हैं जी पंप का, पंप का टाइमिंग जब आप जैसे अभी स्विच ऑफ किया हुआ है, हमने वीडियो में दिखाया भी है, इसको आप पंप को राउंड दोगे हाथ से तो एक नंबर से इसके अंदर बूंद गिरेगी, ज़्यादा स्पीड से करोगे तो ज़्यादा स्पीड से पड़ेगी, और ये यहाँ पे मार्किंग आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये बोल्ट यहाँ पे टाइट कर दिया हमें, इसके अंदर सुराख होता है। और क्रैंक का मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो आप ये यहाँ से क्रैंक के अंदर ये डलेगी एल की, ये देख सकते हो आप, ये अभी निकाल देते हैं, ये सभी निकाल दिए हैं। और अभी इसको राउंड भी दे दिया है, तो टाइमिंग अभी ओके है। टैपट कवर लगाएंगे और वैक्यूम करेंगे, हवा निकाल देंगे। ये टाटा सुमो बिल्कुल रेडी है, अभी आप देख सकते हो पानी हमने इसके अंदर डाल दिया, कूलेंट अभी दो चार दिन नहीं डालेंगे क्योंकि अगर कोई लीकेज वगैरह हुई तो कूलेंट वेस्ट चला जाएगा। तो इसीलिए एक मिनट रुक जाइए, बस शोर शराबा ना करिए। तो इसीलिए हम कूलेंट साथ के साथ नहीं डालेंगे, हमने इसको स्टार्टिंग वगैरह सभी चेक कर लिया। अभी फाइनली वीडियो में हमें आपको दिखाना है कि भाई हमने इसकी साउंड वगैरह स्टार्टिंग वगैरह जो भी है वो किस तरह की परफॉर्मेंस इसकी दिखाई है। अभी जो भाई साहब आए हुए हैं ये गाड़ी लेने के लिए आए हैं, इनको भी हम गाड़ी संभाला देंगे और अभी आपको भी दिखा देते हैं एक बार। बगैर हीटर बिल्कुल पहले ही सलब स्टार्ट है, दोबारा से सलब मारेंगे, बगैर हीटर लगाई सलब मारियो, सीधा ही मार दो बाहर से, बस पहले बंद करो मारो। देखो सलफ बिल्कुल एक्यूरेट है और साउंड भी एक्यूरेट है, और चलाई में जो पिकअप वगैरह वो भी सही है, पीछे कोई स्मोकिंग धुमा जो वाइट या ब्लैक स्मोक कैसा भी कोई किसी तरह का स्मोक नहीं है। तो काम करने का हमारा यही फॉर्मूला है, अगर आपको हमारा फॉर्मूला हमारा काम पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी इसके बाद में हमारा वहाँ पर बीट का इंजन खुला हुआ है, थोड़ा दिखा दे उस साइड जूम करके, ये
खुद से फिटिंग कर दी है इसकी, पूरा पूरे वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, वीट का इंजन है। तो इसके बाद में हमारा ओक्ट्रा का भी काम पेंडिंग है, ले भाई इधर ले, तो उसको भी करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएँ, और हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता रहेगा, जो कि हमें आपकी जो बातों से कमेंट से हौसला होता है हमारा, जो वही आप मोटिवेशन हमें करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।